टाटा एए लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करने के बाद लगभग 15 दिन के बाद हमारे सुपरवाइजर ने एक हमको बहुत अच्छा प्लान बताया। साहब ने उस पॉलिसी में वो सारे फीचर बताए जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी था और हमारे रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत बेहतर था। उस प्लान का नाम था महालाइफ गोल्ड। जैसा कि इस प्लान में उन्होंने हमसे शेयर किया कि इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम मिलेंगे, गारंटी रिटर्न मिलेंगे और आपकी इच्छा, आप चाहे 85 वर्ष तक ले सकते हैं पॉलिसी या फिर 100 ईयर तक ले सकते हैं या फिर आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं या फिर जिसकी इच्छा हो उसके लिए या पॉलिसी ले सकते हैं। उससे भी अच्छी बात कि लिमिटेड प्रीमियम में भी 3-3 ऑप्शन है, 6 साल का, 8 साल का, 15 साल का, जो आपकी मर्जी वो आप ले सकते हैं। इसीलिए हमको उन्होंने डिटेल बताया, तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल इस पॉलिसी में क्या डिटेल है, क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए सबसे बेहतर है जो आपके लिए भी बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि बॉस ने बताया तो बहुत बेहतर ही होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, उनके बताने के बाद पॉलिसी ब्रोशर को हमने डाउनलोड किया गूगल से और डाउनलोड करने के बाद हमने उसको पढ़ा, मैंने उसके बाद समझा इसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान भी है। ये तो अभी नया इम्प्लाई, इसको तो पता कुछ होगा नहीं, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि शायद ये पुराना बंदा है तो इसको लगभग हर कंपनी सिमिलर प्लान होता है, तो निश्चित है इसको कम से कम जानने का तरीका तो पता होगा। जैसा मैं आप लोगों को भी अवेयर करता हूँ, जैसा सेफ इंश्योर्ड मेरा चैनल का नाम है, इसी तरह मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जो भी कस्टमर सुने वो सेफ रहे, पॉलिसी भी ले तो सेफ्टी नजर से लें। तो आप अपना कृपया आंख और कान खोलकर सुन लें और इसको ध्यान पूर्वक देखें, फुल डिटेल तो आपको मिल जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी है और बहुत बड़ा फायदा भी है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप में क्या क्या मिलेगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझा दूंगा। जैसे प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या है, आपको बेनिफिट किस तरह के मिलेंगे, लोन कितना मिलते हैं और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डेट पेमेंट क्या होगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, प्लान किस तरह काम करता है और साथ ही सेल्स इलस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम लोग डेस्कटॉप पे देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ मिलता है। ये आपका प्लान हुआ महालाइफ गोल्ड, देखिए खुशियों का रक्षाकरण टाटा ये अगर थीम है और इसमें सेविंग सॉल्यूशन प्लान है और ये महालाइफ गोल्ड प्लान का नाम है। देखिए यहाँ स्पष्ट छोटा छोटा आपको ब्लिंक कर रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि ये नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंडिविजुअल प्लान है, इंडिविजुअल सेविंग प्लान, नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। अब इसके डिटेल के बारे में हम लोग कृपया देखेंगे। सर्वप्रथम मैं प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि मिनिमम एंट्री एज 30 डेज है, इसको 0 ईयर्स भी मानते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 ईयर, 8 ईयर एंड 50 ईयर, 15 ईयर का है और मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर एंड 60 ईयर। 55 ईयर उसके लिए है जिसका पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 6 ईयर का है एंड 60 ईयर उनके लिए है मिनिमम है जिनका जो अगर पॉलिसी टर्म 8 साल और 15 साल का लेते हैं। एक चीज और देखेंगे कि जो पॉलिसी टर्म होता है वही मैच्योरिटी टर्म होता है, इसीलिए मैच्योरिटी एज भी वही रखा गया है कि 85 ईयर तक ही तो लें और नहीं तो 100 ईयर तक, यानी यहाँ दो ऑप्शन है मैच्योरिटी एज का या फिर पॉलिसी टर्म का 85 साल या फिर 100 साल। तीसरा देखेंगे पेमेंट मोड में एनुअल भी है, सेमी एनुअल और मंथली, तीनों ऑप्शन है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है और मैक्सिमम का अनलिमिट होता है, कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट, सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो एलिजिबिलिटी के बाद की फीचर जान लेना अति आवश्यक है कि इसके विशेष फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है इंजॉय या लाइफ लॉन्ग कवरेज अप टू 85 ईयर या एज 100 ईयर बाई पेइंग प्रीमियम 6, 8 और 15, यानी 6 साल, 8 साल, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेके एंड लिमिटेड प्रीमियम लेके आप 85 साल या फिर 100 वर्ष तक रिस्क कवर ले सकते हैं। और यहाँ थर्ड नंबर में देखें गारंटीड एनुअल कूपन मिलता है स्टार्टिंग फॉर 10th पॉलिसी एनिवर्सरी से मिलता है, जब से पॉलिसी लेते हैं उसके 10 साल बाद आपको एक गारंटी एनुअल कूपन मिलने लगेगा। उसके बाद देखेंगे कि नॉन गारंटीड कैश डिविडेंड मिलता है, ये एनुअली मिलेगा और पॉलिसी लेने के 6ठे वर्ष से आपको मिलने लगता है टिल मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी तक ही आपको मिलते रहेगा।
जिस तरह गारंटीड एनुअल कूपन जो मिलता है 10 साल से लेकर टिल मैच्योरिटी यानी 100 का है तो 100 ईयर तक। उसके बाद देखेंगे रिसीव अ लमसम एट मैच्योरिटी इन एडिशन टू द रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम के अलावा आपको एक लमसम सम एश्योर्ड भी मिलेगा मैच्योरिटी पे। इसके अलावा आप अपना प्रोटेक्शन भी इनहांस कर सकते हैं राइडर लेके, और टैक्स बेनिफिट तो रहता ही है तो यहाँ भी मौजूद है। 80C के तहत आप टैक्स रिबेट ले लेंगे और 1010D के तहत मैच्योरिटी टैक्स फ्री ले पाएंगे। इसके अलावा अब आप अपना बेनिफिट देखना चाहेंगे, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक जो मैंने कहने के बाद इलस्ट्रेशन ये कंपनी ये पॉलिसी ब्रोशर डाउनलोड करके मैंने पढ़ा था उसको आपको दिखा रहा हूँ। तो गारंटीड एनुअल कूपन जो मिलता है कितना मिलता है, 55 रुपया पर 1000। इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि आपको जो मिलेगा वो 1000 के आधार पे, यानी सिंपल अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 5.5% और बेसिक सम एश्योर्ड का यहाँ आपको मिलता है गारंटीड एनुअल कूपन जो कि फिक्स है। ये 55 रुपया ही मिलेगा पर 1000 पे, ये डे वन से मतलब जिस दिन स्टार्ट होगा आपका गारंटीड एनुअल कूपन उस दिन से लेकर 100 ईयर तक। और नॉन गारंटीड कैश डिविडेंड है ये वेरिएबल होता है, ये आपको पॉलिसी लेने से 6 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू मिलने लगता है, और ये डिविडेंड आपको टिल मैच्योरिटी तक मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, दीज आर नॉट गारंटेड एंड विल बी बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पे आपका गारंटीड कैश डिविडेंड मिलता है। लास्ट में देखेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट, तो यहाँ ये भी दिया कि यू विल रिसीव मिनिमम गारंटीड सम एश्योर्ड, यानी जो मिनिमम गारंटीड सम एश्योर्ड होगा वो आपको मिलेगा एट मैच्योरिटी। और वो मिनिमम गारंटी सम एश्योर्ड क्या होता है, तो बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर होता है। तो हमने यहाँ बेनिफिट देख लिया, बेनिफिट में ही सबसे बड़ा एक और बेनिफिट शामिल है, अगर हमको इमरजेंसी कोई आ जाती है पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान तो हम यहाँ लोन भी ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पॉलिसी लोन के संबंध में आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे थे कि आप लोन यहाँ जो मिलता है ना वो सरेंडर वैल्यू का मिलता है, किसी भी पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा स्पष्ट, इस पॉलिसी में थोड़ा सा ज्यादा कम लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है एक्सटेंड ऑफ 65% ऑफ सरेंडर वैल्यू। यहाँ जो लोन मिलेगा वो आपके सरेंडर वैल्यू का 65% मिलेगा, और सरेंडर वैल्यू कितना बनेगा वो आप हमारे आई बटन में देख लेंगे, वहां आपको सरेंडर वैल्यू भी एक पॉलिसी के निकाल के दिखाया हूँ, क्योंकि इसका भी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू ऐसे ही होगा। तो आई बटन में जरूर आप टच करके उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है, और उसका आपको 65% मिलता है, यानी बहुत कम हो जाता है। और जब मैंने लोन ले ही लिया तो लोन इंटरेस्ट के बारे में मुझे जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोन लेंगे तो ये तो मन में रहेगा ना पता नहीं क्या ब्याज लेगा क्या नहीं। तो लोन इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे कि ये भी डिक्लेयर है, आपको स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि लोन जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू पॉलिसी लोन विल बी इक्वल टू द प्रिवेलिंग SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो होता है ना 1 साल से 2 साल के अंदर का, उसके ऊपर 2% और लिया जाता है, और ये कैलकुलेशन जो होता है कि सेमी एनुअल रिव्यू होता है, यानी छमाही आपका रिव्यू होता है, या फिर इसको ये कहें कि जो भी उसका बैंक का इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट होगा उसके आधार पे 2% और ऐड कर लीजिए। दिमाग लेते हैं 8% अगर ब्याज हो गया तो 2% और यानी 10% ब्याज हो गया, और 10% हर 6 माह पे कैलकुलेट हो गया, यानी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं डेथ बेनिफिट की भी बात कर लूँ, ये भी आपकी बेनिफिट की बात है। तो डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि जो आपने डेथ होता है तो जब डेथ होगा उतना दिन तक आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 105% यानी 105% अगर आपने 10 लाख पे किया तो 10 लाख 5% बोले तो 50,000 रुपया आपको उस टाइम दे दिया जाएगा। अगर 10 पर 15 साल की पॉलिसी लिया 10 साल 1,00,000 दिया तो ये एक एग्जांपल हो गया, जो कि यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा है सम एश्योर्ड अराउंड डेथ सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड। दूसरा हो गया कि 10 टाइम ऑफ सम एश्योर्ड एनुअलाइज प्रीमियम, जो आप एनुअल प्रीमियम देते हैं उसका 10 गुना मिलेगा, और नहीं तो जो मिनिमम गारंटी सम एश्योर्ड होता है जो ऑन मैच्योरिटी पे दी जाती है वो हो गया। तो ये आपके डेथ बेनिफिट के ये आपका सम एश्योर्ड हो गया जो आपको मिलना चाहिए रुपया। और खास बात आपको बता दूं कि जब कोई भी आप सामान लेते हैं तो वहाँ एक TNC अप्लाई लिखा रहता है नीचे, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है
और आप देख लेंगे, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि द सरेंडर द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ द पॉलिसी प्रोवाइडेड एट लीस्ट द फर्स्ट फुल ईयर्स प्रीमियम हैज बीन पेड। तो यहाँ आपने जो प्रीमियम पे किए हैं उसके बाद आप सरेंडर की अगर प्लान कर रहे हैं तो सरेंडर भी होगा और दो तरह का होगा। यहाँ देखिएगा, एक जीएसबी होता है और एक एसएसबी होता है। जीएसबी बोले तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू, एसएसबी बोले तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू। दोनों का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? तो गारंटीड वैल्यू में टोटल प्रीमियम पेड इंटू जीएसबी, जीएसबी और स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भी इसी तरह का कैलकुलेशन है कि एसएसबी इंटू रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड। अब रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड का भी एक कैलकुलेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस पेड अप क्या कैलकुलेशन, तो रिड्यूस पेड अप का सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट होगा इसको देख लीजिए। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, मतलब हो गया कि अगर आपको 15 वर्ष प्रीमियम पे करना था और आपने 5 साल पे कर दिया तो 5 साल बटा 15 साल इंटू बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख हो गया, यानी 5 बटा 15 गुणे 10, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद जो निकलेगा वो आपका रिड्यूस पेड अप हो गया। और उसका देखेंगे एसएसबी फैक्टर है, फैक्टर भी हम आपको उसी आई बटन में दे दिए हैं जहां सरेंडर वैल्यू के बारे में बताया, उसको देख लीजिएगा, उसी आधार पे आपको एसएसबी और जीएसबी दोनों मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लेंगे और यहाँ देख लेंगे कि सरेंडर वैल्यू में कितना रुपया आपको मिलता है, कितना कितना लॉस होता है। इसके आगे आपको विशेष जो बात आने वाली है वो आपको बताऊंगा। अब इसके बाद आने वाले है कंपनी का असली चेहरा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात एक आती है कि हमारे साथ थोड़ा सा दिक्कत यह है कि हम हुए नए यूट्यूबर और हमको समय मिलता नहीं है, और किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर डिटेल जानना हो तो समय लगेंगे ही लगेंगे, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, तब जाके एक एक पॉइंट को मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा या आप भी समझ पाएंगे। जल्दी जल्दी कुछ भी करने पर कुछ भी नहीं मिल पाए जिसे आप जानकर सावधानी पूर्वक पॉलिसी ले सके। इसलिए इसके आगे का जो फीचर है, जो कि इसका चेहरा आपको सामने लाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान होता है या फिर कितना इंटरेस्ट मिलता है, आपको डीप जानेंगे इसको। तो इसके लिए कृपया मेरा पार्ट टू देख लीजिएगा, या पार्ट वन था और उसमें आपको एकदम लास्ट तक जैसे प्लान कैसे काम करता है, इलस्ट्रेशन क्या है और बोनस रेट क्या है, ये सारी बात उजागर करूंगा और साफ साफ दिखाऊंगा, हाईलाइट करके दिखाऊंगा। कृपया उसको जान लीजिएगा, देखिएगा जरूर, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होता है। इसके बाद वाले पार्ट टू मेरा देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।